सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त बासित खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी खान व्लॉग्स। और फ्रेंड, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह की लोकेशन से। देख सकते हैं पीछे लगी है अपनी हुंडई की वेन्यू कार। तो आज मैं जा रहा हूं पुंछ अपनी हुंडई वेन्यू कार की सर्विस करवाने के लिए। मैं जा रहा हूं हुंडई के शोरूम में। तो एक्चुअली चलते हैं हुंडई के शोरूम में, विजिट करते हैं, तो वहां पे चल के अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लेते हैं। तो एक्चुअली गाइस, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज मैं अपनी गाड़ी में हेलमेट पहनने वाला हूं। तो हेलमेट पहन के आज देखेंगे कि पब्लिक के रिएक्शन किस तरीके के होंगे, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर जो है आज हेलमेट पहनने वाला हूं। लोग बाइक के ऊपर हेलमेट भी नहीं पहनते, आज मैं गाड़ी के अंदर हेलमेट पहन के अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा हूं। तो चलते हैं आगे पुंछ की तरफ, शोरूम विजिट करते हैं और रास्ते में मैं अपना व्लॉग भी बनाऊंगा और आप बने रहो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मेरे इस व्लॉग के साथ। व्लॉग्स, सो फ्रेंड, मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह की लोकेशन से। आज मैं जा की तरफ आज मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ वेन्यू कार के अंदर से। तो मैंने वेन्यू कार के अंदर आज हेलमेट लगा के बैठा हुआ हूँ। आज लोगों के रिएक्शन भी चेक करेंगे, लोगों के रिएक्शन किस तरीके के होंगे। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल पुंछ, तो चलते हैं पुंछ, तो फिर दिखाएंगे आप सभी को नेक्स्ट व्यू। हाँ जी सर, क्या हाल है भैया? आई रिएक्शन चेक करता हूँ। तो फ्रेंड, पब्लिक रिएक्शन तो बहुत ही कुछ खतरनाक वाले हैं यार। निकलते हैं यहाँ से, देख सकते हैं पब्लिक के रिएक्शन कुछ अजीब से हैं यार। लोग देख रहे हैं कि बंदा हेलमेट, मतलब गाड़ी के अंदर हेलमेट पहन के चल रहा है, तो बहुत ही अजीब से रिएक्शन है आज पब्लिक के यार। थोड़ा सा गाड़ी को साफ कर लेते हैं भाई, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आगे का व्यू किस तरीके का होगा। तो देख सकते हैं पब्लिक रिएक्शन यहाँ पे कुछ बहुत ही खतरनाक वाले हैं यार। तो आगे से आ रहे हैं आर्मी की गाड़ियाँ, गाड़ी को कर लेते हैं थोड़ा सा साइड, आर्मी वालों को देते हैं साइड भैया। तो फिलहाल मैंने आर्मी की गाड़ी को दे दिया है साइड। तो देखो यार, पब्लिक रिएक्शन बहुत ही खतरनाक से है, ठीक हो? तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं गाड़ी को, तो उसके बाद चलते हैं पुंछ की तरफ। तो पब्लिक रिएक्शन बहुत ही खतरनाक से है भाई, क्या ही बताऊं यार, आज के दिन के रिएक्शन बहुत ही खतरनाक वाले हैं भाई। क्या रिएक्शन मिल रहे हैं यार पब्लिक के। एक्चुअली मैंने गाड़ी के अंदर बैठ के हेलमेट ऐसा पहना है यार, जो भी बंदा देख रहा है, जिस किसी बंदे को भी हेलमेट मेरा दिख रहा है, कसम से उसके रिएक्शन बहुत ही अजीब तरीके के हैं। फिलहाल मैं पहुंचा हूं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, आगे चल के फिर दोबारा से कैमरे को ओपन। तो गाड़ी के अंदर हेलमेट पहन के मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मतलब लोगों को लग रहा होगा कि ना बंदे को, बंदे ने हेलमेट लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर, बंदा मतलब पागल हो गया है, क्या चक्कर है। बट मुझे बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ यार हेलमेट में, गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। इस समय मैं पहुंचा हूँ सनई ब्रिज के पास, मैं पहुंचने लगा हूँ। चल पब्लिक के चेक करो भाई, चेक करो रिएक्शन, चेक करो लोगों के। तो भाई यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो आप गाइज, किस तरीके की लोकेशन है। तो आज आपका भाई जा रहा है अपने वेन्यू कार की सर्विस करवाने के लिए। बट क्या ही बताऊं यार, क्या सर्विस होगी, आप चेक करो यार, आप चेक करो, मेरी गाड़ी को 2 साल हो गए और मेरी गाड़ी अभी तक चली हुई है 6000 किलोमीटर। तो कंपनी वाले कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, बोलते हैं यार सर्विस करवा लो, नहीं तो आपकी सर्विस लैप्स हो जाएगी। बट मैं क्या ही सर्विस करवाऊं यार, 10000 पे दूसरी सर्विस होती है, बट मैंने दूसरी सर्विस पहले करवा ली थी, शायद मेरे ख्याल से 3000 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी हुई थी। कंपनी वाले तभी भी कॉल करने लगे, सर्विस 10000 पे होती थी बट कंपनी वालों ने मुझे कॉल कर करके तंग कर दिया। तो आखिरकार फिर मुझे सर्विस करवानी पड़ी, फिर मैंने सर्विस करवा ली उस वक्त, बिकॉज कंपनी वाले बहुत ज़्यादा कॉल करके तंग कर रहे थे मेरे को यार। तो फिर उस टाइम में तो मैंने सर्विस जो है वो करवा ली थी। तो उसके बाद अब थर्ड सर्विस के लिए भी दोबारा से कॉल करना शुरू हो गई, बोल रहे हैं सर सर्विस करवा लो, आपकी सर्विस लैप्स हो जाएगी, वारंटी में इशू आ जाएगा।
तो गाइस आज मैं फिर से जा रहा हूँ यार, गाड़ी चली है 6,000 किलोमीटर, 20,000 पे सर्विस होनी थी थर्ड, और मेरी गाड़ी अभी तक चली है 6,000 किलोमीटर। बिकॉज आप सभी को तो पता है यार, मैं आता हूँ शॉप पे, तो एक्चुअली सुनकोट के अंदर एक तो गाड़ी लगाने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा है। एक जगह पे पार्किंग है, गाड़ी को पार्क करने के लिए वहाँ पे भी जगह नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से इशू क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से ना मैं मार्केट के अंदर नहीं लेके जाता हूँ अपनी गाड़ी को। तो मैं पहुँचा हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन पे, तो आज जा रहा हूँ शोरूम, फ्रेंड है वो मैनेजर है शायद वहाँ पे, तो एक्चुअली मैंने उनको कॉल करी थी यार, भैया ने मुझे बोला आप एक काम करो, आप आओ यहाँ पे सर्विस सेंटर विजिट करो, यहाँ पे फिर देख लेते हैं आपकी गाड़ी को, चेक करेंगे ऑयल वगैरह चेक करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं गाड़ी की सर्विस जो है फिर करनी है या नहीं, यहीं पे चेक होगा। तो फिर मैंने सोचा यार क्या ही करूँ, काम करता हूँ चलता हूँ पूंछ, तो वहाँ पे हुंडई के शोरूम में विजिट करते हैं, तो वहाँ पे चेक करवाते हैं, अगर गाड़ी की सर्विस होनी हुई तो हो जाएगी, करवा ही लेंगे, क्या करें यार, वरना कंपनी वाले जो है ना वो आपको पता है बाद में वारंटी में इशू हो जाएगा, तो उसका बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उससे बेटर है यार करवा ही लेते हैं। क्या करूं यार, गाड़ियां लेना बहुत आसान होता है यार, बट उनकी मेंटेनेंस वगैरह ये सब कुछ बहुत टफ होता है, क्या ही बताऊं यार। हर साल मैं आपको बताऊं, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस, उसके बाद मेरा बाइक का इंश्योरेंस, तो उसके बाद और छोटा मोटा सर्विस वगैरह, ये खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार। तो फिर भी आपका भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कर ही लेता है यार, इतना तो कर ही लेते हैं इंशाल्लाह। फाइनली फ्रेंड आपका भाई पहुंच चुका है कुछ इस तरह की लोकेशन पे, व्यू चेक करो गाइस, सामने का व्यू कितना खतरनाक वाला है यार। एक्चुअली मैंने सॉन्ग नहीं लगाया यार, कॉपीराइट बच जाता है। बोलेरो वाला भैया काफी जल्दी चल रहा था, पहले तो मैंने काफी टाइम तक इसको साइड ही नहीं दी यार, पीछे से आ रहा था, मैंने बोला आ साइड ले ले यार दम है, तो मैंने गाड़ी को थोड़ा सा स्लो किया, मैंने बोला यार जाने देते हैं, ऐसे पता ही क्या सीन हो जाता है यार जब कोई बंदा ना बहुत ही वो हैवी हो जाता है ना कि गाड़ी को पास करना ही करना है मैंने, या ऐसा भी हो सकता है किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उसके साथ ना रेस नहीं लगानी चाहिए। बाइकर्स का अलग सीन होता है यार, बाइक पे अगर कोई बंदा आएगा ना रेस लगाने के लिए तो उसको मैं माफ नहीं करता हूँ, बट गाड़ी का इशू अलग ही होता है भाई, उसमें कोई भी हो सकता है, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल भी इमरजेंसी हो सकती है, किसी को हॉस्पिटल जाना हो सकता है, तो उसकी वजह से ना फोर व्हीलर पे अगर पीछे से कोई बंदा तेज आ रहा है ना, तो कोई अकेला ऐसे यंगस्टर लड़का वगैरह हो तो वो बात अलग है उसकी यार, तो अगर कोई इस तरीके से कोई बंदे आए ना तो उनको साइड दे देनी चाहिए, उनके साथ रेस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रेस के मसले में ना यार किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, किसी को इमरजेंसी जाना हो उनके साथ हादसा हो जाए तो अच्छा नहीं रहता है भाई, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार इस बोलेरो वाले को दे देता हूँ साइड, काफ़ी बंदे बैठे हुए थे इसके अंदर, हो सकता है किसी को कुछ इमरजेंसी वगैरह में कहीं जाना हो तो उसकी वजह से इनके साथ रेस लगाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने दे दी उसको साइड, मैंने बोला जा यार, ख्याल इन चीज़ों का रखना चाहिए इंसान को यार, लाइफ में काम आती हैं ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें इस तरीके की इंसान को सोचनी चाहिए। तो फाइनली फ्रेंड आपका भाई पहुंच चुका है कुछ इस तरह के लोकेशन पे, यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया है मुझे हुंडई का शोरूम, तो इस एरिया का नाम जो है पेंच के नाम से मशहूर है, पेंच ही बोलते होंगे यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदू व्यू यहाँ का चेक करो गाइस, आज सुबह से बारिश का कुछ मूड बना हुआ है यार, आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है, बारिश का मूड है, तो
यहाँ पे रहा बिल्कुल सामने हुंडई का शोरूम, ये रहा अपना हुंडई का शोरूम, देख सकते हैं हुंडई का शोरूम। यहाँ पे टाटा मोटर्स का शोरूम भी है, हुंडई का शोरूम भी है यहाँ पे। तो बिल्कुल सामने रहा अपना हुंडई का शोरूम, ये हुंडई का शोरूम है यहाँ पे वर्कशॉप। तो गए, तो फाइनली गए, देख सकते हैं मैं इस समय हूँ हुंडई के सर्विस सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे लगाई है मैंने अपनी हुंडई की कार, ये रही थी, मैंने अभी भी जस्ट यहाँ पे विजिट की है। तो देखते हैं, अभी मैंने मेरी सर से भी बात हुई है, सर बोल रहे हैं कि पहले आपकी गाड़ी का चेकअप करते हैं, गाड़ी को चेक कर लेते हैं, अगर सर्विस की नीड हुई तो फिर हम सर्विस कर देते हैं इसकी। तो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं, सर आए गाड़ी को चेक कर लें, तो उसके बाद देखते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस होनी है या नहीं होनी, तो उसके बाद नेक्स्ट दिखाएंगे आप सभी को अपनी गाड़ी की सर्विस की वीडियो की। देख सकते हैं मेरे पीछे एक कार जून कार ऑल टाइप ऑफ एसेसरीज के नाम से एक शॉप है। तो अगर आप सभी को पुंछ एरिया के अंदर अपनी गाड़ी में कोई भी एसेसरी करवानी हो तो इस शॉप पे आप सभी विजिट कर सकते हैं। तो भैया के रेट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर पुंछ के अंदर आप सभी को अपनी कार के अंदर कुछ भी एसेसरी वगैरह का काम करवाना हो तो इस शॉप पे विजिट करें। इस शॉप पे विजिट करके आप सभी को अच्छे रेट भी मिलेंगे। आप सभी मेरा नाम लेके भैया से बात करना, तो भैया आप सभी को अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट, आगे यहाँ से अब मैं निकलूंगा सुनकोट की तरफ, तो फिर आप सभी को वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा। तो न्यू पेट्रोल पंप ओपन हुआ है गाइज, बहुत ही अच्छा पेट्रोल पंप है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है गाइज यहाँ की, चेक कर सकते हैं कितनी मस्त लोकेशन है यहाँ की। तो यहाँ से मैंने पेट्रोल भी फ्यूल करवाया अपनी गाड़ी में, तो उसके बाद यहाँ से मैंने एयर भी जो है देख सकते हैं H2O फ्री एयर जो है यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी में डलवा ली है। तो इससे ना गाड़ी के टायर जो होते हैं उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो अब निकलता हूँ मैं यहाँ से सुनकोट की तरफ। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। यार अपनी गाड़ी की सर्विस तो नहीं हुई एक्चुअली, भैया ने चेक किया मेरी जब गाड़ी को, उन्होंने बोला भैया एक तो आपकी गाड़ी बिल्कुल कम चली है, तो दूसरा यार अभी आपकी गाड़ी को नीड नहीं है सर्विस की। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ना आप एक काम करो, एक दो महीने के बाद विज़िट करो तो ना आपकी गाड़ी की सर्विस जो है वो करवा देते हैं। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, कुछ इस तरह के एरिया पे। यहां पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी मस्जिद है यहां पे मस्त वाली, आप सभी नमाज यहां पे पढ़ सकते हैं। तो गाइस इन दिनों में देख सकते हैं फाइनली फ्रेंड मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया है यार, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई मेरे दोस्त से। तो एक्चुअली वो यहीं पर थे रुके हुए यार, तो एक्चुअली उनसे मुलाकात हो गई। एक काम करते हैं मिलते हैं उनसे, आगे चलते हैं। क्या हाल है? ठीक हो? बहुत ठीक सब बढ़िया। मैं देखे ना पहले, मैं देखे चलो अपना बस शुक्रिया। मैं फलाना नहीं, मैं फला कोई ठीक है। तो एक्चुअली गाइस मेरा एक फ्रेंड था यार, उसके साथ मेरी मुलाकात हो गई यहाँ पे, तो उनसे स्पेशल मिलने के लिए मैं आया था यार, काफ़ी टाइम के बाद मिला है मेरा ये फ्रेंड मुझे। तो एक्चुअली यार ये देखो मेरे फ्रेंड तो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा लगता है जब आपने किसी फ्रेंड को इस तरीके से आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते देख, बहुत ही अच्छा लगता है यार, गर्व होता है इन पे यार, ये भाई हमारे लगे हुए हैं हमारे देश की रक्षा के लिए। तो बहुत तो उसकी वजह से मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन सका, बट मेरे दोस्तों ने पहनी है यार, यही काफ़ी है हमारे लिए कि हमारे दोस्तों ने तो यूनिफॉर्म पहनी है इंडियन आर्मी की, और अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं हमेशा। तो बहुत ही अच्छा है यार ये बात। अब निकलते हैं यहाँ से सुनकोट की तरफ। हमेशा आपने बिजनेस की तरफ ख्याल नहीं रख सकता, घर की और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है इंसान को अपनी लाइफ में।
तो अगर इंसान एक ही चीज को टोक के चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में। सो इसी वजह से हमेशा हर चीज को अपने साथ लेके चलना है। तो फाइनली भाई आपका भाई पहुंच चुका है कुछ इस तरह की लोकेशन पे, इस जगह का नाम है मदाना। तो मैं पहुंच चुका हूँ मदाना एरिया के अंदर। तो यहाँ से अब सुनकोट की तरफ, यहाँ से थोड़ी थोड़ी धूप निकली है यार, यहाँ से ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है भाई। इस टाइम जंगल में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती है इस टाइम के अंदर। ये जो मंथ चल रहे होते हैं ना यार मई जून के, तो इस टाइम खासतौर से जो जंगल का एरिया होता है ना, उस एरिए के अंदर ब्यूटी बहुत खतरनाक वाली होती है भाई। बिकॉज जितने भी दरख्त होते हैं ना, उनके साथ नए नए पत्ते आए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से ना खूबसूरती बहुत ही, यहाँ का व्यू चेक करो भाई, यहाँ की खूबसूरती चेक करो ब्रो। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू है यार, मस्त लोकेशन है भाई। बड़े आते हैं इस रोड में, क्या करें भाई। अरे चाचा जी क्या हो गया, चाचा जी आराम से। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या कर रहे हो चाचा जी, सुसाइड करने के चक्कर में थे। चाचा जी प्लीज मेरी गाड़ी के आगे नहीं आना यार। तो फ्रेंड यहाँ का व्यू चेक करो, और ये देखो खड्डे वाला मोड़ आ गया यार। जब इस खड्डे में लगती है गाड़ी पूरी उछलती है यार। तो गाय चेक करो यार, यहाँ पे आ गई है एक ज़ियारत, बहुत ही अच्छी ज़ियारत है। ज़ियारत जो है वो नीचे वाली साइड है, बट उसके साथ यहाँ पे उसका ये बनाया गया है, यहाँ पे लोग नियाज वगैरह चढ़ाते हैं। तो देखो यार, लास्ट टाइम जब फ्लड आया था, फ्लड का पूरा पानी जो है ना हर एरिया में घुस गया था, लेकिन ये जो ज़ियारत थी ना, ज़ियारत बच गई थी। साइड से ऊपर वाली साइड से भी पानी जा रहा था, नीचे वाली साइड से भी, और सेंटर में ज़ियारत थी, बट ज़ियारत को कुछ भी नहीं हुआ गाइस। ये होती है अल्लाह के जो नेक वली होते हैं ना, अल्लाह ताला उनका ख्याल हमेशा रखते हैं। अरे चाचा जी बाइक वाले का काम हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं उस गाड़ी वाले को देख रहा हूँ, इको वाले को, और बाइक वाले चाचा अचानक से एकदम से घुस के आ गए वहाँ पे। तो क्या ही कर सकते हैं भाई, क्या ही बोल सकते। थोड़ा सा अपनी गाड़ी को यहाँ से खींचते हैं यार, चढ़ाते हैं थोड़ा सा मीटर, देखते हैं मीटर कितना चढ़ता है इस जगह से। बट आगे ट्रैक्टर वाला आ गया भाई, ट्रैक्टर वाले भैया साइड दे दो यार, असेंट्रो गाड़ी आ गई। ओहो हो हो ओ भाई, गेट ऑन करो। तो चलो निकलो यहाँ से यार, तीसरा गियर लगा हुआ है, डालते हैं फोर्थ गियर में। ये लग गया है फिफ्थ और सिक्स्थ गियर, और आ गया ट्राले वाला, और एक और ट्राले वाला। एक नंबर गियर डालते हैं, दूसरी, अब साथ में ही डालते हैं तीसरी, और अब निकलते हैं स्कॉर्पियो को करते हैं क्रॉस। आ गई गाड़ी अल्टो, आ गई गाड़ी यार, गाड़ियां आ जाती हैं। और वे हो तो फिर बात हो अलग ही यार, अपनी अपनी साइड से चलते रहो आराम से। तो यहाँ पे सामने से भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, तब मुश्किल हो जाती है भी। अब इस ट्रक वाले को जल्दी जल्दी साइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आराम से चलना होगा। अरे ट्रक वाले भैया दे दे साइड भाई, ट्रक वाले भैया दे दे साइड मेरी जान। गाड़ी 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 गाड़ी, आज आगे से भी अचानक से गाड़ी आ जाती है, मोड़ वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, तो गाड़ियाँ अचानक से आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता है किधर से गाड़ियाँ टपक पड़ती हैं यार।
सामने का व्यू चेक करो यार, दरिया वाला एरिया है, व्यू बहुत ही मस्त है, खतरनाक व्यू है यहाँ का। तो फाइनली फ्रेंड आपका भाई पहुंच चुका है कुछ इस तरह की जगह पे। तो एक्चुअली रॉयल भाई को मैंने पूछा था यार वेस्ट ट्यूब की वायरिंग के लिए। एक्चुअली मेरी जब गाड़ी लास्ट टाइम लग गई थी यार, एक्सीडेंट हो गया था मेरी गाड़ी का, तो उसके बाद से ना शोरूम वालों ने मेरी गाड़ी की जितनी भी वायरिंग थी यार वो पूरी निकाल ली। तो उसके बाद से अब मुझे दोबारा से वायरिंग करवानी है। अब जब तक वायरिंग नहीं होगी तब तक, अब दोबारा से मुझे वायरिंग करवानी होगी। दोबारा से वायरिंग जब हो जाएगी उसके बाद बेस ट्यूब वगैरह दोबारा से इंस्टॉल करवाऊंगा मैं अपनी गाड़ी में। फाइनली फ्रेंड मैं सुनकोट के अंदर वापस आ गया हूँ। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी नहीं लगी तो फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।